हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाइट डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में कमी दिख रही होगी, लाइटिंग में कमी दिख रही होगी। तो आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो और वॉइस में भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है, तो सब बारिश के वजह से हो रहा है। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि ना लाइट आ रही है और ना ही बारिश रुक रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो फ़ोन के फ्लैश से ही वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों को क्लासेस देनी होती है, कुछ ना कुछ सिखाना होता है, तो इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, फ़ोन के फ्लैश से ही वीडियो बना रही हूँ। तो इस वजह से ना ही लाइट में कोई मतलब ज़्यादा क्वालिटी है, और ना ही वीडियोज़ पर, और ना ही वॉइस पर, क्योंकि वॉइस इतनी बाहर की आ रही है कि मैं कितनी भी तेज़ बोलूँगी थोड़ी सी तो वॉइस इधर उधर होगी। तो आप लोग मैनेज कर लेना। अब चलो हम बात करते हैं कि आज की वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग सिंपल सा ब्लाउज पेपर में कटिंग सीखेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी क्लासेस चल रही थी, इस बीच में हमने क्यों रोक दिया। तो बस इसी वजह से रोक दिया क्योंकि लाइट आ नहीं रही, और जो आपकी क्लासेस हैं, जो सूट की क्लास है, तो वो मैं थोड़ी सी जगह में नहीं बना सकती हूँ, अपने सेटअप से कहीं दूर नहीं बना सकती। जैसे कि मैं ये वाली वीडियोस है सिंपल से ब्लाउज की कटिंग है, तो मैं थोड़ी सी जगह पर वीडियो पेपर में कटिंग करके आपको दिखा दूंगी और उसकी सिलाई भी करके दिखा दूंगी। लेकिन जो सूट की वीडियो होगी, तो वो मैं अपने सेटअप से दूर बना ही नहीं सकती। और सेटअप पे बनाने का मतलब है हमें लाइट चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। और सारी चीज़ें जब लाइट नहीं रहेगी तो फिर हम दिखा नहीं पाएंगे। और जैसे कि आप लोग मेरे अगर डेली व्यूवर्स हो, तो आपको पता होगा कि मेरे यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और इसके साथ साथ में जैसे ही लाइट आती है, वैसे ही हमारी सारी क्लासेस चलने वाली हैं। प्रॉपर जैसे अभी तक चलती थी वैसे ही चलेंगी। बस अभी मैं क्या, मैंने सोचा कि खाली बैठने से अच्छा है कि जो लोग पेपर की कटिंग मांग रहे थे और जिनको लग रहा था कि हम घर बैठे सिलाई कैसे सीखें, मतलब कि पेपर में कटिंग करें, कटिंग करने के बाद पेपर में ही सिलाई सीखें और पेपर में कैसे सिलें, तो मैंने सोचा चलो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को, मतलब जो 2 से 3 दिन जितने दिन भी लाइट नहीं आती है, 2 दिन हो गया अभी लाइट नहीं आई, और अब हम लोग अभी पता नहीं कितने दिन नहीं आएगी, तब मैंने सोचा चलो इस बीच में मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ पेपर में कटिंग प्लस पेपर में सिलाई कैसे करेंगे। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी, अगले वीडियो में आपको उसकी सिलाई करना बताऊंगी पेपर में ही। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो अब हम लोग यहाँ पर कटिंग करना सीखते हैं। तो इसके लिए हमने न्यूज़पेपर लिया है, जो कि हमारा 2 पेज का पेपर आता है, हमने उसको ले लिया है। तो देख सकते हो ये हमारा 2 पेज का पेपर है, ठीक है। आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर की जरूरत पड़ेगी। एक आपको स्ट्रेट पटरी ले लेना है जिससे हम लाइन खींचेंगे, और एक आपको स्केच पेन ले लेना है जिससे हम निशान लगाएंगे, और दूसरा आपको यहाँ पर कैंची ले लेना है। जिस आपको जो कपड़े से कपड़े वाली कैंची नहीं लेना है, आपको अलग दूसरी कैंची लेना है जिससे कि आपकी कपड़े वाली कैंची ख़राब ना हो। और यहाँ पर मैंने इंची टेप ले लिया है, ठीक है, निशान लगाने के लिए। अब चलो यहाँ पर हम सारी कटिंग करना सीखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसको हम कैसे रखेंगे, पीछे वाले पल्ले को छोटा करके रखेंगे, आगे वाले पल्ले को बड़ा करके रखेंगे। तो जो हम पीछे वाले का पल्ले को छोटा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पीछे वाला पल्ला होता है, तो वहाँ पर सिर्फ टक्स लगते हैं और आगे वाले पल्ले में 4 टक्स रहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ डॉट, मतलब 2 डॉट रहते हैं, तो साइड साइड से फैब्रिक जाता है। लेकिन जो आगे वाला पल्ला होता है, वहाँ पर हमें लंबाई पर भी टक्स डालने होते हैं, तो ज़्यादा मार्जिन चाहिए होता है। तो पीछे वाले पल्ले से हम 1.5 इंच प्लस करके अपने आगे वाले पल्ले को लेंगे। कब, जब हम सिर्फ और सिर्फ 4 टक्स बना रहे हों, और अगर हम यहाँ पर 4 टक्स के साथ में बेल्ट भी बना रहे हैं, तो आपको पूरा 1.5 इंच लेना है। लेकिन ये बिना बेल्ट वाला ब्लाउज, वो सॉरी 2 इंच लेना है बेल्ट वाले में, लेकिन ये ब्लाउज सिर्फ 4 टक्स है बिना बेल्ट वाला। तो हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया जितनी लंबाई, अब इसको देख लेते हैं कि कितनी लंबाई हमारी आ रही है। यहाँ से हमने इंची टेप रखा, ये देखेंगे ये हमारा 12.5 इंच आ रहा है। ये हमारा तैयार होगा ब्लाउज 11 इंच का, ठीक है, 11 इंच का तैयार होगा। और इसको हमको इससे 1.5 इंच प्लस करके लेना होता है। तो
आपको जितना ब्लाउज तैयार करना है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लेना है। ये हमारा ब्लाउज वो पेपर है, तो पेपर में अभी हम इतना नहीं ले सकते कि अगर हमें 14 इंच तैयार करना है तो उसमें 1.5 इंच प्लस करके ले लेंगे, लेकिन जब हमें कपड़े में बनाना होगा तो वहाँ पर आपको कपड़ा इतना मिल जाएगा कि आपकी लंबाई प्रॉपर आ जाएगी। अभी तो सिर्फ हम यहाँ पर पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसकी लंबाई निकाल ली। लंबाई निकालने के बाद इसको हम एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 लेयर में हो जाएगा। तो बिल्कुल बराबर से इसको ऐसे फोल्ड करके रख लेना है। ये हमने इसे फोल्ड कर लिया, ये हमारा हो गया 4 लेयर में। और इधर साइड देख सकते हो, यहाँ पर हमारा खुला भाग है, इधर हमारा बंद भाग है। तो आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है बारिश का मौसम चल रहा है, लाइट भी नहीं है, और फिर अगर मैं अभी वीडियो नहीं बनाऊंगी तो फिर मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो इस वजह से मुझे वीडियो भी बनाना है। बारिश अपना उसका टाइम है तो वो हो रही है, और मेरा टाइम है वीडियो बनाने का, तो मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा बहुत आवाज़ को आप मैनेज कर लेना। अब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर इसे 4 फोल्ड में कर लिया, लेंथ हमने निकालना सीख लिया। अब हम यहाँ पर गले के लिए निशान डालेंगे। तो जैसे आप बहुत पतली लेडीज़ का बना रहे हो तो आपको 2 इंच पर निशान लगाना है, नॉर्मल साइज के लिए 2.5 इंच पर, और अगर आपको ज़्यादा विड्थ में चाहिए तो आप 3 इंच भी ले सकते हो, ज़्यादा चौड़ाई चाहिए गला, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया। आपको आगे का गला लेंथ जितनी तैयार चाहिए उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लीजिएगा। जैसे कि मुझे 5.5 इंच चाहिए तो मैं 6 इंच की एक लाइन खींच लूँगी इस तरीके से, और फिर इसी निशान से इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे, 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और गोलाई कर लेंगे। आपको गोल गला बनाना है, वी नेक बनाना है, जो भी बनाना है वही शेप दे दीजिएगा। यहाँ पर हमने ये गोलाई कर लिया। अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान डालेंगे। तो शोल्डर का निशान कपड़े के बंद भाग से हम 5 इंच लेंगे, और 5 इंच लेने के बाद यहाँ पर आर्म होल हम लेके आएंगे साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं 6 इंच, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 6 इंच पर ये निशान डाल दिया। तो आपको ये साइज के अकॉर्डिंग कैसे लेना है, मैंने तो कोई साइज बताया नहीं इस वीडियो में, लेकिन मैंने साइज के अकॉर्डिंग कैसे लेना होता उसका वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है कि हमें आर्म होल किस साइज में कितना लेना होता है वो चीज़, ठीक है। तो वो वाला वीडियो को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से देख लेना। अब यहाँ पर हम फिटिंग डालेंगे। जैसे कि ये हमारा जो भी साइज है, मान लो आपका 32 साइज है, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कपड़े के बंद भाग से 8 देखेंगे, इधर जितना इंच टेप जा रहा है उतना आगे बढ़ा देंगे, लाइन खींच देंगे, और फिर यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक 1.5 इंच की लाइन खींचेंगे और 1/2 इंच अंदर के साइड पॉइंट देंगे, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए गोलाई कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया, 1/2 इंच अंदर की साइड जो है उससे भी हमने गोलाई कर दिया। ये हो गया हमारा आर्म होल और गला। अब हम नीचे कमर का नाप डालेंगे। तो आपके जो भी कमर साइज है वो डाल दीजिएगा, 2 इंच यहाँ पर भी एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिएगा। और अब हम इन निशानों को ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, और ये वाली लाइन भी खींच लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने फिटिंग डाल दी, यहाँ पर आर्म होल गला बना लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऊपर से इंची टेप रखेंगे, बस्ट पॉइंट का नाप डालेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 9 इंच, ये हमने 9 इंच पर निशान डाला, पॉइंट डाला बस्ट पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट क्या होता है, कैसे होता है, इसको किस साइज में कितना लेना होता है, इसका भी मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, उसकी वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब जो हमने पॉइंट डाला है उसी पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए एक टक्स हम कपड़े के बंद भाग की तरफ डालेंगे, एक टक्स हम नीचे की साइड को डालेंगे। तो ये भी हम जो अभी ये पॉइंट डाला ना 9 इंच पर, उससे हम 1.5 इंच छोड़ के 1.5 इंच इधर भी छोड़ के, और एक टक्स हम इधर फिटिंग साइड डालेंगे, तो ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए डालेंगे। तो ये हमारे 3 टक्स हो गए, और एक टक्स हम इधर साइड डालेंगे, तो ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए डालेंगे। तो देखो ये हमारे 4 टक्स हो गए। तो इनको हमने अपने पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए डाला है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। अब हमने यहाँ पर निशान डाल दिया। अब हम इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे। तो पीछे का गला अगर आपको छोटा करना है तो फिर आप ऐसे ही कटिंग मत करिए, लेकिन ये सिंपल सा ब्लाउज अभी आपको हम बता रहे हैं तो इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेते हैं। तो चलो इसे कट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर जैसे निशान लगाया, बाहर से पूरी कटिंग कर ली। अब जो मैंने एक सिंपल से फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग करना बताया था, उसमें मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी स्लीव्स कहाँ से निकलेगी। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, जब हम कपड़े में कटिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स इधर साइड से निकल आती है, ठीक है। तो इधर साइड से हम अपनी स्लीव्स निकाल लेते हैं, लेकिन ये पेपर है तो पेपर इतना बड़ा नहीं होता है कपड़े की जितना कि कपड़ा जितना होता है उतना हमारा पेपर होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हम स्लीव्स को क्या करेंगे, अलग से पेपर लेके निकालेंगे। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने अंदर वाले पल्ले यानी कि पीछे वाले पल्ले को निकाल देंगे और आगे वाले पल्ले को फिर से ऐसे रखेंगे और हाफ इंच जो अंदर डाउन है इसे कट कर लेंगे। तो चलो इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो ये हमने यहाँ पर आर्म होल भी हाफ इंच छांट दिया है। अब इसको हम पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे हमने इधर टक्स लगाया सेम ऐसे ही इधर भी लगाने होंगे। तो ये वाला टक्स हमने क्या करा है, मतलब ये हमारे कोई चौक में तो है नहीं, तो हमने जैसे इधर इंची टेप से बिल्कुल नाप लेके निशान लगाया सेम ऐसे ही इधर भी लगा लेंगे। तो इधर देख सकते हो ये पेपर हमारा थोड़ा सा इधर ज़्यादा ही घिचपिच है, कोई बात नहीं, बस सेम तरीके से आपको इधर भी निशान डाल देना है। तो चलो हम यहाँ पर डाल देते हैं निशान इंची टेप से नाप के, तो आपको भी दिखाते हैं। देखो ऊपर से हमने इधर 9 इंच लिया था, तो इधर भी हम सेंटर से और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पर 9 इंच पर पॉइंट डालेंगे। ये हमने पॉइंट डाला। अब इसी पॉइंट से क्या करेंगे, डेढ़ डेढ़ इंच छोड़ते हुए निशान डाल देंगे, एक इधर भी डाल देंगे। तो एक ये हो गया, एक फिटिंग साइड डालेंगे तो ये भी डेढ़ इंच छोड़ते हुए डालेंगे और एक इधर आर्म होल साइड डालेंगे तो इसको भी डेढ़ इंच छोड़ते हुए डालेंगे। थोड़ा बारिश ज़्यादा तेज हो रही है और आपको वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, इसीलिए मैं अपनी वॉइस को थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ, जिससे कि आपको मेरी वॉइस बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर सेंटर पर लाइन खींचा और जो लाइन खींचा है वहीं से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे दो पल्ले निकल आए आगे वाले पल्ले के, ठीक है। ये हो गए हमारे फोर टक्स सिंपल से ब्लाउज आगे के पल्ले के दो पार्ट। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब ले लेते हैं हम पीछे का पल्ला, तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर अब हम निशान डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से डॉट के लिए हम 3.5 इंच लेंगे 32 साइज के लिए, या फिर आप 4 इंच भी कर सकते हो। 4 इंच लिया, ऊपर की साइड हमें लेंथ इसकी 4.5 इंच लेनी है, ये हमने 4.5 इंच लिया और एक पॉइंट उसी के बिल्कुल बगल मतलब उसी के ऊपर से इधर से 4 इंच पर पॉइंट देंगे और ऊपर की साइड 4.5 इंच इसकी पॉइंट ले लेंगे, ये लंबाई ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा पीछे के दोनों डॉट यहाँ पर, ठीक है, जो कि हमारे पीछे प्लेटें डलती हैं। अगर यहाँ पर आपको गला बढ़ाना है पीछे का, हमने अभी आगे के हिसाब से गले की कटिंग किया था, अब मान लो आपको पीछे का गला ज़्यादा बड़ा पहनना है तो आपको क्या करना है, ऊपर से इंची टेप रखना है, जितना गला आपको तैयार चाहिए उसमें से हाफ इंच प्लस कर लेना है और लंबाई लेना है और फिर इधर साइड को एक लाइन खींचना है, हाफ इंच पर निशान लगाना है, गोलाई करना है, इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसे हम गले को कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर अपने गले को कट कर लिया है। तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला और ये हो गए हमारे दोनों आगे के पल्ले, ये देखो, ठीक है। तो हमने आगे और पीछे के पल्ले कंप्लीट कर लिया है। अब इसको साइड में रख देते हैं। साइड में रखने के बाद हमको यहाँ पर जो गले से कपड़ा निकला था इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। ये बीच में कट गया है तो चलो कोई बात नहीं, हम दूसरा पेपर ले लेते हैं और उससे हम क्या निकालेंगे, अपनी घटवा पट्टी, बढ़वा पट्टी और एक पट्टियाँ जो कि हमें गला बनाने के लिए होंगी। तो चलो इससे हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमने यहाँ पर दो पट्टियाँ कट कर ली है, एक घटवा होगी एक बढ़वा होगी। तो इसकी चौड़ाई आपको लगभग 2.5 इंच की रखनी है और लंबाई आपको अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग रखनी होगी। तो हमने यहाँ पर दो पट्टियाँ कट कर ली, इसको साइड में रख देते हैं।
अब जो पेपर बचा हुआ है यहाँ से हम और एक पट्टी निकालेंगे। तो और एक पट्टी क्या होता है, ऐसे तिरछे में कपड़े को हम कट करते हैं, तो वो हमारा कपड़ा क्या होता है, ज़्यादा बढ़ता है, खिंचाव लेता है। और अगर हम सीधे सीधे कट करते हैं तो हमारा कपड़ा खिंचाव नहीं लेता है। तो हमने जैसे इसको बराबर से रखा, लेकिन ऐसे तिरछे में लाइन खींच लेंगे और तिरछे में ही पट्टियाँ निकाल लेंगे। जितना बड़ा हमारा गला होगा उसी हिसाब से हमें पट्टियाँ लगेंगी। और पट्टियों की चौड़ाई कितनी होगी, ये वाली, तो ये चौड़ाई हमारी होगी 1.5 इंच की, ठीक है। तो 1.5 इंच के लगभग यहाँ पर आपको पट्टियाँ, आपको गले लंबाई के हिसाब से उतनी ही पट्टियाँ निकाल लेनी है। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है और बस यहाँ पर इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर 4 पट्टियाँ और 1 पट्टी निकाल ली है, जो कि हमें अपना गले पे पाइपिंग या फिर तुरपाई वाला जो भी बनाना होगा बनाएंगे। तो इस तरीके से सिंपल से ब्लाउज बनाने के लिए सिर्फ अभी हमने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग नहीं की है, वरना हमने सारे फैब्रिक निकाल लिया है। अब इसकी सिलाई कैसे करेंगे, पहले हम लोग इतना कंप्लीट कर लेंगे, आगे का पल्ला पीछे का पल्ला जोड़ लेंगे, उसके बाद हम लोगों को स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी होती है, स्लीव्स को कैसे जोड़ना होता है, वो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी आज की वीडियो, आई होप कि मैं समझाने में आपको पूरी कोशिश की होंगी। तो इतनी हमने कटिंग कर ली, ठीक है। अब कटिंग करने के बाद अब इसकी सिलाई कल की वीडियो में देखेंगे। अगर लाइट आ जाएगी तब भी हम इस वाले ब्लाउज को पूरा, इस ब्लाउज का जो सीरियल चल रहा है हमारा क्लास 1 है ये, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, जितने ही क्लास में ये कंप्लीट होगा पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। उसके बाद हम लोग आगे आने वाली क्लासेस पे चलेंगे, मतलब कि सूट वाली क्लासेस पे चलेंगे। लाइट आ जाएगी तो भी मैं अपनी वीडियो वो भी बनाती रहूँगी, ये भी बनाती रहूँगी, और वो मेरी स्टॉक पे रहेगी। और जैसे ही हमारी क्लास ही, मतलब ये पूरा ब्लाउज कंप्लीट होता है, वैसे ही आप लोगों को सूट की वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि मैंने बीच में ही सूट का क्लास छोड़ दिया है, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। जो मैं कंप्लीट कर रही हूँ तो वो अभी इस टाइम पे रेडीमेड, मतलब वो गाउन वाली साड़ी कंप्लीट कर रही हूँ, उसी की वीडियो मैं बना रही हूँ। तो उसकी कटिंग हो चुकी है और बिना लाइट के उसकी सिलाई बाकी है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया है और समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सिलाई से जुड़ी हुई हर एक चीज सीखने के लिए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।